संजय गांधी ताप विद्युत गृह बिरसिंहपुर पाली मंगठार में आधी रात्रि के बाद हुई दुर्घटना में एक मजदूर की जान चली गई। घटना के बाद आक्रोशित मजदूर लामबंद हो गए, लेकिन कुछ देर बाद पहुंची पुलिस ने सभी को समझा बुझा कर शांत करा दिया। इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक मृतक श्रमिक का नाम रोहित पिता रामपाल निवासी ग्राम मुदरिया है। घटना को लेकर कई तरह की बातें भी सामने आ रही हैं। इसमें सबसे अहम बात यह है कि यह दुर्घटना लापरवाही की वजह से हुई है। अन्य मजदूरों का कहना है कि मृतक मजदूर रोहित ठेका कंपनी में काम कर रहा था और कंपनी के लोगों की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। बताया गया है कि रोहित अक्का लॉजिस्टिक कंपनी के साइट में ठेका मजदूर के तौर पर काम कर रहा था। काम के दौरान यही 4AB कन्वेयर बेल्ट में वह अचानक से फंस गया। बताया गया है कि बेल्ट में फंसने के बाद वह उसके साथ घसीटता रहा और उसके शरीर से खून बहने लगा। रोहित के शरीर के कई हिस्से में गंभीर जख्म हो गए थे और घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई थी। घटना के बाद प्लांट में मजदूरों ने भारी रोष जताना शुरू कर दिया था। इस बात की जानकारी लगते ही जेनको के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचे। जानकारी पुलिस को दे दी गई है और कुछ देर बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। घटना स्थल पर पहुंचने के बाद पुलिस ने मजदूरों को समझाया कि वह जांच करेगी और सच्चाई सामने आएगी। घटना की जानकारी लगने के बाद जनपद सदस्य अर्जुन सिंह सयाम भी पावर हाउस पहुंच गए और उन्होंने मजदूरों से घटना की पूरी जानकारी ली। जनपद सदस्य ने भी अधिकारियों से इस विषय में चर्चा की है और कहा है कि ठेका कंपनी के लोगों को नियमों का पालन करने के लिए सख्ती से कहा जाए। कोई आपत्ति नहीं, घटना घट गई, दुख है, क्या होगा, क्या करेंगे।